वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 7, चैप्टर नंबर 2, द दिल्ली सल्तनत। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिल्ली सल्तनत। दिस इज अवर चैप्टर नंबर 2। वी ऑलरेडी फिनिश्ड अवर चैप्टर नंबर 1। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। The chapter name is The Delhi Sultanate. So let's begin. Delhi has center of Indian politics since ancient times. प्राचीन काल से ही दिल्ली जो है ना वो भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है. Delhi was an important center of trade and commerce during the region of Tomar and Chauhan Rajputs in 12th century. दिल्ली एक ट्रेड यानी कि ट्रेड एंड कॉमर्स यानी कि व्यापार और वाणिज्य का चौहान राजपूत के समय पर ही और तोमर और चौहान राजपूतों के समय ही 12वीं सदी में व्यापार और वाणिज्य दोनों क्षेत्रों में एक महत्व का केंद्र रहा है. द दिल्ली सल्तनत वॉज इस्टैब्लिश्ड इन द अर्ली 13th सेंचुरी. दिल्ली सल्तनत की स्थापना इस्टैब्लिश होना यानी कि स्थापना होना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना 13वीं सदी के शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी. The rurals who ruled over the vast area of the North India between 1206 AD and 1526 AD. तो ईस्वी सन 1206 से लेकर ईस्वी सन 1526 के बीच उस दरमियान उत्तर भारत के विशाल विस्तार के ऊपर सुल्तानों का शासनकाल चल रहा था. सुल्तानों यानी कि सल्तनत एज वो स्टार्ट हो चुकी थी 1506 से 1526 के बीच. उस दरमियान उत्तर भारत का विशाल जो विस्तार था ना वो विस्तार दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तानों का शासन उस समय पर दिल्ली के ऊपर सल्तनत के तरीके दिल्ली सल्तनत से नाम भी से भी जाना जाता है. तो उस समय पर उस एडीज के बीच एडी यानी कि एनोडोमिनी सबको पता ही है यस नो. तो जो शासक था ना पूरा वास्ट एरिया नॉर्थ इंडिया का उसके बीच 1206 लेकर 1526 तक सुल्तानों का शासन था. शासकों का शासन था आर नोन एज सल्तन एंड द रीजन इज नोन एज दिल्ली सल्तनत. उसको सुल्तान उसको क्या बोला जाता है वो शासन था ना नॉर्थ इंडिया में उस शासन को सुल्तान लोग थे वो शासन कर रहे थे तो उसको सुल्तान एंड दिल्ली सल्तनत से भी जाना जाता है. दीज रूरल्स वर ओरिजिनली ऑफ टर्किश एंड अफगान ओरिजिनली. ये जो शासक थे ना वो ओरिजिनली कहाँ से थे तुर्क के थे और अफगानिस्तान के वो मूल थे. ड्यूरिंग दिस 325 ईयर्स यानी कि 325 साल से टोटल 5 डायनेस्टी केम टू पावर इन द दिल्ली सल्तनत. 325 साल में उनमें से 5 वंशज थे वो सत्ता में रही दिल्ली सल्तनत के ऊपर इंक्लूडिंग द स्लेव डायनेस्टी द खिलजी डायनेस्टी तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. उस 5 वंशजों में कौन कौन थे स्लेव डायनेस्टी थी खिलजी डायनेस्टी थी तुगलक डायनेस्टी सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. डायनेस्टी को वंशज बोलते हैं. तो खिलजियों का वंशज
तुगलकों का वंशज, स्लेवों का वंशज, सैयदों का वंशज एंड लोधी वंशज, ये सारे डायनेस्टी जो थी ना वो 5 डायनेस्टी सत्ता पर रही दिल्ली सल्तनत के ऊपर। अलोंग विद दिल्ली सल्तनत वी ऑल्सो स्टडी अबाउट विजयनगर एंड बामानी एम्पायर्स इन दिस लेसन। तो दिल्ली सल्तनत के साथ साथ हम इस वाले चैप्टर में विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का भी अभ्यास करेंगे, उसके बारे में भी हम लर्न करेंगे। नाउ रूरल्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के शासक कौन कौन थे उसके बारे में हम जानेंगे। हमने देखा 5 डायनेस्टीज थी मेजर, वो हमने देखी, उसमें गुलाम वंश आ गया, खिलजी वंश आ गया, तुगलक वंश आ गया और सैयद वंश और लोधी वंश, ये 5 डायनेस्टी थी, वंशज थे, वंश थे ना वो मेजर दिल्ली सल्तनत के ऊपर उन लोगों की सत्ता थी। तो वो सभी डायनेस्टी के बारे में हम वन बाय वन लर्न करेंगे। लेट्स बिगिन। फर्स्ट वन इज स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश, उन लोगों की सत्ता जो थी ना वो कब से कब थी? इन 1206 AD to 1290 AD उन लोगों का जो सत्ता का शासन काल था ना, उन लोगों का गुलाम वंश का, वो था ईस्वी सन 1206 से लेकर 1290 तक। इन 1192 AD इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराई सियाबुद्दीन गोरी वन अ डिसाइव विक्ट्री ओवर पृथ्वीराज चौहान एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो ईस्वी सन 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में सियाबुद्दीन गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निर्णायक स्वरूप से हराया था और दिल्ली सल्तनत की सत्ता की स्थापना की थी पृथ्वीराज चौहान को हरा के। After the death of Muhammad Ghori, his slave Qutbuddin Aibak became the first Sultan of Delhi Sultanate. ईस्वी सन 1206 में मोहम्मद घोरी, उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उनके जो गुलाम रहे यानी कि स्लेव रहे कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सुल्तान दिल्ली सल्तनत के, पहले सुल्तान वो दिल्ली सल्तनत के बन जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। ड्यूरिंग हिज रीजन ऑफ ओनली 5 years, उनके 5 ईयर के सत्ता का जो समय काल था उनके क्षेत्र में 5 साल में, ही ट्राइड टू रिटेन द सल्तनत पावर, उन्होंने पूरी सल्तनत सत्ता को अपने हाथों में सत्ता पूरी लेने की उन्होंने ट्राई की थी। ही फेल फ्रॉम द हॉर्स बैक वाइल प्लेइंग पोलो एंड डाइड इन 1210 AD। वो उनकी मृत्यु ईस्वी सन 1210 में हो गई थी, जब वो पोलो के जो गेम होती है ना, जो घोड़े के ऊपर बैठ के राइड करके जो खेला जाता है, आप सभी को पता ही होगा, आपने देखा ही होगा। तो वो गेम खेलते खेलते उनकी उन पर से गिर जाने की वजह से, हॉर्स पे से गिर जाने की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी ईस्वी सन 1210 में। आफ्टर हिज डेथ हिज स्लेव एज वेल एज हिज सन इन लो इल्तुतमिश केम टू द पावर, उसके मृत्यु के बाद उसके गुलाम भी माने जाते हैं और उनके सन इन लो भी माने जाते हैं, वो इल्तुतमिश सत्ता पर आया। हिज इस्टाब्लिश्ड चहलगनी, उसको चारगन भी बोला जाता है। तो इल्तुतमिश ने सत्ता में आने के बाद जो उनका शासन था, अपनी सत्ता थी, वो चहलगन, उसको सर्वोपरि, इसको चार गन भी बोला जाता है, उसको सर्वोपरि बनाने के लिए उन्होंने उसका इस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापना की, किसकी? चहलगन की। अ फोर्स ऑफ 40 तुर्की नोबल
नोबल्स टू मेक सल्तनत सुप्रीम। तो उनके जो वो स्थापना की ना चहलगान की, उनकी स्थापना करने के बाद जो 40 तुर्क थे जो नोबेल्स को अमीरों भी बोला जाता है, उनकी पूरा दल उन्होंने रचा था। 40 तुर्कियों का तुर्कियों का पूरा दल उन्होंने रचा था, उसकी स्थापना की थी उन्होंने। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली शिफ्ट की, यानी कि पहले लाहौर थी उसके बाद दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड टू बी द ट्रू फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का, स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का ओरिजिनली सच्चा एक स्थापक माना जाता है। किसको? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश डिड नॉट फाइंड एनी ऑफ हिज सन्स डिजर्विंग द पोजिशंस ऑफ द सुल्तान, सो ही डिक्लेयर्ड हिज कैपेबल डॉटर्स राजिया सुल्तान एज हिज सक्सेसर। तो इल्तुतमिश ने अपने गुलाम वंश को एक सच्चा स्थापक भी माना जाता है, उनके सभी पुत्रों सुल्तान बनने की योग्यता ना थी, सुल्तान बनने की योग्यता नहीं है मेरे पुत्रों के अंदर, मेरे सन्स यानी कि पुत्र उनमें नहीं है सभी में। वो बिलीव करता था कि मेरे जो पुत्र है ना वो उनमें किसी में भी सुल्तान बनने की योग्यता नहीं है। तो उसने ने उस उन्होंने अपने काबिल पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी जाहिर कर दिया। तो रजिया सुल्ताना उसके बाद क्या हुई, उनकी सत्ता अधिकारी बनी, उत्तराधिकारी बनी। शॉर्टली आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज डॉटर रजिया एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। शी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर टू एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो कुछ समय के बाद इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसकी डॉटर उनकी पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की गादी के ऊपर आती है। थ्रोन यानी कि गादी, एस्केंडेड करना यानी कि उसके गादी के ऊपर आना, बैठना। तो उसको संभाल, एस्केंडेड करना थोन को यानी कि राजगादी को संभालना। तो उनके पिता इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान ने दिल्ली की गादी जो थी ना वो संभाली। सी वॉज द फर्स्ट वुमन रूलर एस्केंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो वो पहली महिला शासक थी दिल्ली के ऊपर जिन्होंने दिल्ली की राजगादी संभाली थी। मिनहाज ए सिराज अ हिस्टोरियन ऑफ दैट टाइम ऑल्सो एडमिटेड दैट रजिया वॉज मोर कैपेबल टू बिकम अ सुल्तान एज कम्पेयर टू हर ब्रदर्स। तो उस समय के जो इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने एडमिट किया, जो रजिया एडमिट करना यानी कि उन्होंने स्वीकार किया कि जो रजिया सुल्तान है ना वो सुल्तान बनने के, उत्तराधि बनने के लिए कैपेबल है, उसके भाइयों से भी ज़्यादा। उनके पिता तो उन लोगों को कैपेबल मानते ही नहीं थे, तो उनको रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बना दिया था। तो उस समय के जो मिनहाज ए सिराज थे ना उन्होंने रजिया सुल्तान को कैपेबल दिखाया था उस समय पर, उनके भाइयों से भी वो ज़्यादा कैपेबल है एक सुल्तान बनने के लिए, एक राजगादी संभालने के लिए। तो उसके लिए उसको उत्तराधिकारी बनाया गया था। 8 इट वॉज डिफिकल्ट टू गेन रिकॉग्नाइज एज अ वुमन रूलर्स। तो रजिया सुल्तान उनके भाइयों से भी ज़्यादा कैपेबल थी, ज़्यादा सक्षम थी। तो एक महिला को शासनकर्ता के तरीके मान्यता मिलनी बहुत मुश्किल है। एक महिला वो भी शासनकर्ता के तौर पर माने सब लोग, वो बहुत ही डिफिकल्ट है ना, यस और नो? इवन द कोर्टियर्स वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट हर एज अ इंडिपेंडेंट रूलर्स। कोर्टियर्स यानी कि दरबारी, तो उनके दरबारी में
दरबार में जितने भी लोग थे ना, वो भी रजिया सुल्तान को एक शासनकर्ता के स्वरूप में नहीं मानते थे, वो मानने के लिए राजी नहीं थे। Her rule came to an end because of greed of power of the nobles and the ongoing rebellions. तो उनका रजिया सुल्तान का जो पूरा शासन था ना, वो नोबेल्स थे, नोबेल्स यानी कि जो अमीरों थे ना, उनको ग्रीड ऑफ पावर, पावर की लालसा थी, ग्रीड ऑफ पावर यानी कि सत्ता की लालसा। तो अमीरों की सत्ता के लालसा के कारण और कंटिन्यूसली सारे रिबेलियंस यानी कि विद्रोह शुरू ही रहे थे उस समय पर उसके शासन के काल के दरमियान। तो वो सारे विद्रोह के कारण और अमीरों के सत्ता के लालसा के कारण उनका जो शासन था ना, उनका अंत होता है। द स्टेट वॉज इन टर्मोइल फॉर 6 ईयर आफ्टर हर डेथ। तो उनके अवसान के बाद उनका पूरे राज्य थे ना, उनके स्टेट थे ना, वो 6 साल तक अंधाधुनी चले। अंधाधुनी यानी कि ऐसे ही कोई भी सत्ता में न रहना, कोई भी अच्छे से शासनकाल पूरा राज्य व्यवस्था ना चलवाना, इसी तरीके से टर्मियोल यानी कि अंधाधुनी चलना। तो उनका पूरा शासन 6 साल तक उनकी मृत्यु के बाद अंधाधुनी चला। द नोबल्स एंथोन इल्तुतमिश सन्स नसरुद्दीन ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली। तो जो अमीरों थे ना, नोबल्स यानी कि अमीरों, उन्होंने इल्तुतमिश के जो सन थे नसरुद्दीन, उनको दिल्ली के राजगादी पर उनको सत्ता में लाई। उसके बाद He ruled for 21 years. उन्होंने अपना शासनकाल 21 साल तक चलाया। After his death, Ghiyasuddin Balban came to the throne. तो उनके मृत्यु के बाद Ghiyasuddin Balban थे ना, Ghiyasuddin Balban, वो गादी के ऊपर आते हैं। He destroyed the Chahalgan. He destroyed the Chahalgan, Chahalgani first, and overthrew the grip of the nobles from the regimes. तो उन्होंने राजगादी के ऊपर आने के बाद चहलगान का जो पूरा दल था ना, उनको नाश करके उन्होंने शासन तंत्रों को अमीरों के हाथ में दे दिया, अमीरों के पकड़ में उन्होंने दे दिया। He strained the king's positions. उसके बाद अपने जो राजा को जो स्थान होता है ना, उसको उन्होंने मजबूत बनाया। Balban was a patron of literature and arts. Balban साहित्य और कलाओं का पोषक था, ऐसा माना जाता है। Balban था ना, वो साहित्य और कलाओं का पोषक माना जाता है Balban को उस समय का। After his reign of 22 years, within short time the Khilji dynasty was established in Delhi Sultanate. उनके 22 साल के शासन के थोड़े समय के बाद दिल्ली सल्तनत के ऊपर खिलजी वंशज की स्थापना होती है। तो इस वाले वीडियो पार्ट में हम यहीं तक लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम लर्न करेंगे खिलजी डायनेस्टी, खिलजी वंश, ठीक है। तो ये वाला वीडियो पार्ट आपको अच्छे से देख के लर्न कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम एंड टेक केयर।